हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना सर स्वागत करता हूँ आपके आपके चैनल आर फन क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक होगा हम लोग का भारतीय भवन मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे कि कैसे आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और इसमें दिया है मात्र 5 क्वेश्चन और इस 5 क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वीडियो को छोड़िएगा नहीं, मैं आपको 5 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। इसके आधार पे इसके तरह 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करने की ताकत आपके पास मिल जाएगी। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें यानी कि खाली जगहों को भरें। कह रहा है कि धन पूर्णांक पी अभाज्य होगा यदि पी में केवल डैश और डैश से भाग लगेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होने के लिए ऐसी संख्या जो खुद से कटे, है ना, जो खुद से और केवल एक से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कर रहे हैं, खुद से और केवल एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या जिसका दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये अभाज्य संख्या तब होगा, पी अभाज्य संख्या तब होगा पी में केवल एक और पी से भाग लगेंगे। पी से और केवल एक से भाग लगेंगे तो संख्याएं होंगे अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 में 1 से भाग लगेगा और खुद 2 से भाग लग रहा है। अब कहोगे सर 4 नहीं, 4 में 1 से भी लगती है, 2 से भी लगती है और 4 से भी लगती है, तो एक्स्ट्रा नंबर आ गया 2, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 3, 3 देखिए 1 से कटेगा 3 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो सकती है, होगी, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश संख्या को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, डैश के रूप में लिखा जा सकता है। तो किस संख्या को, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी संख्याएँ पढ़ी थी, कह रहा कि अभाज्य संख्या पढ़े थे, बहुत सारी संख्या मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे इसी चैनल पे मैंने सबको डिटेल में वीडियो बना के डाला है, आप उसको जाके देख लीजिएगा, आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या की बात करें, इसको तो 1 और 2 या फिर जो 1 होगा और खुद स्वयं होगा, दूसरा तो होगा ही नहीं, तो इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपके पास भाज्य होगा या यौगिक, भाज्य संख्या यौगिक संख्या दोनों एक ही चीज़ होती है, और इसी संख्या को हम लोग गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप देखिएगा 4 है, 4 को तोड़िएगा तो 2 और 2 से टूटेगा, तो 2 अभाज्य संख्या है और इसके गुणनखंड के रूप में लिख दिया हम लोग, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए आपके पास 6 है, 2 और 3 से कटेगा, तो 2 और 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 और 3 को क्या कर रहा है, 6 को कट कर रहा है। तो यानी कि अभाज्य की भाज्य, ये क्या है, भाज्य हम किसको कहते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। भाज्य का मतलब ये होता है जो संख्या एक से कटे और किसी और संख्या से कटे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याएँ जिसकी मतलब गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या हो, 3 हो या 3 से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसकी कितनी है, अब कोई ऐसी संख्या रखिए, मान लीजिए 2 रखे हैं तो 2 का ये 2 ही गुणनखंड है, तो ये तो होगा ही नहीं सकता है। हाँ 4 होगा, इसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, जो है ना, जिस जो खुद से कटे, 1 से कटे और किसी और संख्या से भी कटे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाज्य संख्या या यौगिक, क्या लिख सकते हैं, यौगिक संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है 2 पूर्णांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 पूर्णांक दिया हुआ है ए और बी,
और ए और बी सह अभाज्य हैं यदि मौस उसका क्या दिया है। मान लीजिए ए और बी आपके पास दो संख्याएं दी हुई है, क्या दी हुई है, दो संख्याएं आपके पास दी हुई है, कह रहा है सह अभाज्य है यदि उसका मौस क्या होगा। आपको मैंने बताया था कि किसी भी संख्या दो, किसी भी दो संख्या का मौस, दो संख्याओं का मौस एक हो, भय एक नहीं, जैसे मान लो मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए दो और तीन, दो और तीन दो संख्या आपके पास है, दो संख्याओं को आप तोड़िएगा तो दो और एक होगा, तीन को तोड़िएगा तो तीन और एक होगा, तो देखिए मौसा यहाँ पे कितना आया, मौसा आया आपका एक, वैल्यू एक आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने लिखा चार और लिखा छः, तो चार को तोड़िएगा तो दो गुने दो होगा है ना, और गुने एक होगा, छः को तोड़िएगा तो दो गुने तीन गुने एक होगा, राइट। तो आप इसमें मौसा निकालिएगा, देखिए तो मौसा यहाँ पे दो मिल रहा है और यहाँ पे एक मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो इसका दो, तो यानी कि इस दो आ गया, मौसा कितना आ गया दो, तो ये संख्या जो है सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य होने के लिए सिर्फ मौसा कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, उसका वैल्यू एक होनी चाहिए, उस संख्या को क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये बताइएगा दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, ए और बी, तो ए और बी का मौसा कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा, सह अभाज्य संख्या बनेगा। तो यहाँ आपका आंसर कितना होगा, एक, ठीक है। अब कह रहा है मौसा और यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया है मौसा 48 और 30, मौसा 48 और 30 बराबर मौसा 30 और किसका, 30 और किसका, यहाँ पे देखिएगा 30 एक दिया हुआ है, यहाँ पे भी 30 अवेलेबल है ना, यहाँ पे 48 दिया हुआ है तो यहाँ पे 48 नहीं दिया, 48 लिख देंगे हमारा दोनों का बराबर हो जाएगा, यानी कि 30 और 48 का मौसा और 30 यहाँ पे 48 और 30 का मौसा और 30 और 48 का मौसा दोनों बराबर होगा। क्यों, देखो तीन और छः का, सॉरी तीन और छः का मौसा और या छः या तीन का मौसा दोनों क्या होते हैं, बराबरी हो गया कि किसान संख्या है, इसलिए कह रहे हैं मौसा 48 और 30 बराबर मौसा 30 और किसका है, 48 का है ना, तो बराबर होंगे। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 यानी कि 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौसा क्या कह रहा है, मौसा ए बी गुने लौसा ए बी, क्या होगा, मौसा ए बी गुने मौसा लौसा ए बी। तो मैंने क्या बताया था कि आपके पास दो संख्या दी हुई है ए और बी, तो इसका पहले निकाल लो लौसा है ना और मौसा, ठीक है। तो लौसा गुने मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिएगा पहली लौसा किसका, कौन सी पहली संख्या, ये ए हो गया आपकी पहली संख्या और बी हो गया आपकी दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली लौसा गुने मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है, ए है, और दूसरी संख्या क्या है, बी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए और बी। आई होप कि ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।